नमस्कार, मैं हूँ दिनेश मीणा, डायरेक्टर ऑफ एसीएल क्लासेस। और आप सभी को सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं एसीएल क्लासेस की ओर से और मेरी ओर से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी ट्रिक जो पीरियोडिक टेबल को मात्र 10 मिनट में आपको सिखा सकती है। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जब आप साइंस पढ़ते हो आगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, तो आपको अभी से ही याद करने इसको जरूरी है। तो मैं बताना चाहता हूँ इसमें कैसे याद करनी है। हमने इसके लिए एक जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके कोडिंग कर रखा है, और कोडिंग के बेसिस पर ही आपको उसको याद करना है, और यही आपका तरीका होगा। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके सिंबल्स को याद करना है। तो याद रखने की ट्रिक जो है उसमें आपको सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स को कोडिंग कर रखा है, पहले आपको उनकी कोडिंग को ध्यानपूर्वक समझना है और याद करना है। उसके बाद में 2 से 3 बार अभ्यास करते हो तो आसानी से आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाती है, जो इस प्रकार है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स जो दे रखे हैं उसको मेनली 4 ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 जो ब्लॉक होता है उसे एस ब्लॉक तत्व कहते हैं, दूसरा पी ब्लॉक तत्व, तीसरा डी ब्लॉक तत्व और चौथा एफ ब्लॉक तत्व। चारों ब्लॉक में कम से कम 120 तत्व आते हैं, और 120 तत्वों के सिंबल को याद रखने की जो ट्रिक हम लेके आए हैं जो कि बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगी। तो एक एक करके हम ये चारों ब्लॉक को डिवाइड करते हुए हमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सबसे पहला हमारा ब्लॉक आता है जिसे हम कहते हैं एस ब्लॉक तत्व। एस ब्लॉक में 2 वर्ग आते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ये है फर्स्ट वर्ग और ये है सेकेंड। इसमें आपको कोडिंग दे रखी है, सबसे पहले ह ली ना की रबड़ी सस्ती और फ्री, ऐसे कैसे इसमें दे रखा है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो ये हलीना की रबड़ी सस्ती और फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, इनको आपको याद रखना है। आपका पी ब्लॉक सॉरी एस ब्लॉक तत्व जो होता है वो याद हो जाएगा। देखिए कैसे हम बात कर रहे हैं ह, तो ह को कैसे लिखना है, ये है ह, ये है ली, ये है ना, ये है की, रबड़ी सस्ती और फ्री, हलीना की रबड़ी सस्ती और फ्री। हमने इसकी कोडिंग के बेसिस पर उसके सिंबल लिखे बहुत आसानी से, ठीक ऐसे कैसे हम इसके बारे में लिखते हैं। यहाँ है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो कैसे लिखना है देखिए, बेटा बी ई मांगे एम जी कार स्कूटर स्कूटर बाप रोए। तो इस तरह से हमने बहुत आसानी से इसके सिंबल को लिखा। यह है एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक के अंदर 2 वर्ग आते हैं जो कि हमने आसानी से उसके सिंबल को याद कर सकते हैं, हलीना की रबड़ी सस्ती और फ्री और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ये था हमारा एस ब्लॉक तत्व। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है उसे कहते हैं पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक के अंदर आपको मैं बता दूं टोटल जो वर्ग आते हैं 6, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। वर्ग संख्या कौन सी है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये आपका पी ब्लॉक तत्व होता है। पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके सिंबल्स को याद करना है तो हमें कोडिंग याद रखनी जरूरी होगी। तो सबसे पहला जो है उसको कहते हैं बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। दूसरा होता है कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है, ऐसा कैसे, नाना पापा आंसू सब बीमार, नाना पापा आंसू सब बीमार, उससे टीपो, उससे टीपो, ठीक है। फिर आता है फिर कल बार आई आंटी, फिर है ने अगर कर 0 रन आउट।
तो एक एक को हम बात करते हैं। सबसे पहले सब्जी लेने गए हैं, आई मीन जो है बैंगन आलू गाजर इन थैला को कैसे सिंबल के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो देखिए ये है बैंगन का मतलब बी, बैंगन आलू गाजर इन, यह है थैला। ठीक है, आसानी से लेगा। अब हम बात करें इसका, तो है कहे सीता जी जी सुनो प्रभु, प्रभु कंप्लीट बात। फिर आपका आता है नेक्स्ट जो है वो है नाना पापा आंसू सब बीमार, पूरी फैमिली बीमारी है, नाना पापा आंसू सब बीमार। फिर है उससे टीपो, बिल्कुल नकलखोरी, क्या है ऊ स से टीपो, जो कुछ नहीं याद करके जाता है वो यही काम करके जाता है, उससे टीपो। फिर आपका आता है नेक्स्ट अगला जो है वो है फिर कल बार आई आंटी, इसमें कैसे करना है आपको है, कैसे है देखिएगा आप। फिर कल बार आई आंटी, फिर कल बार आई आंटी। ठीक है, फिर है ये है नी अगर कर 0 run out, 0 यह है run out। इस प्रकार से हमने इस टेबल को अच्छे से पढ़ा, बहुत आसान है। पी ब्लॉक तत्व के अंदर बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नाना पापा आंसू सब बीमार, उससे टीपो, फिर कर बार आई आंटी, और है ने अकर कर 0 run out। ये था आसान तरीका पी ब्लॉक तत्व याद करने का। अब नेक्स्ट जो अपना आएगा उसे कहते हैं डी ब्लॉक तत्व। चलिए डी ब्लॉक तत्वों को स्टार्ट कर रहे हैं। डी ब्लॉक तत्व के अंदर मैं बताना चाहता हूँ टोटल 4 श्रेणियां आती है, जिससे नाम देते हैं 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। इन श्रेणियों के अंदर सीरीज को आपको इस तरह से कोडिंग को याद रखना है। तो सबसे पहले जो है उसको है स्कूटी वैन कार में फेंको ने कुंजन, स्कूटी वैन कार में फेंको ने कुंजन। फिर है यारी जरा निभा मौत तक, रूस रहना पड़ेगा आगे कनाडा से। फिर है ला हफ्ता वरना रहने दे, उस इरफान की पिटाई और होगी। ठीक है, ला हफ्ता वरना रहने दे, उस इरफान की पिटाई और होगी। और लास्ट जो है आपका वह है एक रफ्तार डबल स्ट्रॉन्ग भाई हजमत, 10 रंग की चैन है, 10 रंग की चैन। तो चलिए इसको हम बात करते हैं एक एक को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह है स्कूटी, पूरा एक ही शब्द है स्कूटी, वैन कार में फैकोनी कुंजन, CUZN, स्कूटी वैन कार में फैकोनी कुंजन कंप्लीट। फिर आपका है यारी जरा निभा मौत तक, रूस रहना पड़ेगा आगे कनाडा से। देखिए यारी जरा जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रूस रहना पड़ेगा आगे कनाडा से। ये लो ये आपका हो गया कंप्लीट बात। फिर आपका है ये क्या है ला हफ्ता, यहां ता आ जाएगा, ला हफ्ता वरना रहने दे उस इरफान की पिटाई और होगी, उस इरफान की पिटाई जो है वो और होगी कंप्लीट बात, और होगी कंप्लीट बात।
उस इरफान की पिटाई और होगी, इस तरह से आपको हमने पढ़ना है। लास्ट जो आपका हाथा है जिसे कहते हैं एक रफ्तार डबल सॉन्ग का, भाई हसमत दस रंग की चैन, क्या है एक रफ्तार डबल सॉन्ग, डबल सॉन्ग का डी बी डबल सॉन्ग, भाई भाई हसमत दस रंग की चैन। इस तरह से आपको ये पूरा टेबल याद करना है, बहुत आसान है। स्कूटी वैन कार में फेंको नहीं कुंचन, यारी जरा निभा मौत तक रूस रहना पड़ेगा आगे कनाडा से, ला हफ्ता वरना रहने दे उस इरफान की पिटाई और होगी, और एक रफ्तार डबल सॉन्ग भाई हसमत दस रंग की चैन, कंप्लीट। अब जो है हमारा लास्ट जिसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक तत्व, इसे अंत संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ये हमारा लास्ट है जिसमें दो श्रेणियां आती है, एक को लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं, एक को एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हैं, जिसकी कोडिंग आपके सामने दे रखी है। इस कोडिंग के बेसिस पर हम इसके सिंबल को याद रखेंगे, सीरीज को इसके कारण ना तो भूल सकते हैं, सीक्वेंस याद रख सकते हैं और सिंबल याद रख सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। लड़कों से परेशान नादान प्रेम ने शाम को एक गर्दन तोड़ दी होगी, एवरी टाइम यस ब्रेक लूंगा, लाशों के लड़के से। तो चलिए हम बात करते हैं यहां से, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसके सिंबल को लिखते हैं, क्या है लड़कों से परेशान परेशान लड़कों से परेशान नादान ना नादान प्रेम ने शाम को एक गर्दन तोड़ दी होगी, बहुत सिंपल है। लड़कों से परेशान नादान प्रेम ने शाम को एक गर्दन तोड़ दी होगी, एवरी टाइम यस ब्रेक लूंगा, बहुत आसान है, ऐसे हमें इसको याद रखना है। क्या है लड़कों से परेशान नादान प्रेम ने शाम को एक गर्दन तोड़ दी होगी, एवरी टाइम यस ब्रेक लूंगा, इस तरह से इसका सीक्वेंस और सिंबल याद रख सकते हैं। और हमारा लास्ट जो है जैसे कहते हैं एक्टिनॉइड श्रेणी के लिए हमने स्टार्ट करते हैं। क्या है एक था पागल उधर नेपाल पूरा अमेरिका, काम बेकार सिर्फ इस फैमिली में मदन नंबर ला रहा है। देखिए कैसे एक था पागल उधर नेपाल पूरा अमेरिका एक था पागल उधर नेपाल पूरा अमेरिका। ठीक है काम बेकार सिर्फ इस फैमिली मतलब सिर्फ इस फैमिली में मदन नंबर ला रहा है। इरा कंप्लीट बात, बहुत आसान है। जो श्रेणी है जिसे लास्ट कहते हैं, जिसे हमने कहा था एक्टिनॉइड श्रेणी, उसमें है एक था पागल उधर नेपाल पूरा अमेरिका, एक था पागल उधर नेपाल पूरा अमेरिका,
काम बेकार सिर्फ इस फैमिली में मदन नंबर ला रहा है, काम बेकार सिर्फ इस फैमिली में मदन नंबर ला रहा है। कंप्लीट वाले इस तरह से आपकी ये पीरियोडिक टेबल आप कम से कम, ज्यादा नहीं कहूंगा, 2 से 3 बार आप खुद अभ्यास कीजिए और आसानी से आप पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है उनके सिंबल और सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। और यही आपके आगे नेक्स्ट जब साइंस की पढ़ाई कर रहे होते हो, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे होते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इसके अंदर। तो ये था आपके पीरियोडिक टेबल जिसको आपको अभ्यास करना है और तय देर से इसको पढ़ोगे तो आसानी से आप समझ सकते हो, याद कर सकते हो। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया मात्र 15 मिनट के अंदर। चलिए ये आपका टॉपिक क्लोज होता है और ऐसे ही हम टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, आप जुड़े रहिए ACL क्लासेस की ओर से। और अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ACL क्लासेस सिरोही, और इस क्लासेस से जुड़ते रहिए और हम आपके लिए और बहुत सारे ऐसे वीडियो लॉन्च करेंगे जिसको पढ़कर देखकर आप आसानी से अपने साइंस को या अपने विज्ञान के क्षेत्र को स्ट्रांग बना सकते हो। और मैं आपको सभी को ये कहना चाहूँगा कि विज्ञान का ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना केवल पढ़ाई के अंदर बल्कि आप दैनिक जीवन के अंदर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सभी व्यक्ति या स्टूडेंट का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है, हर काम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए तभी आपको सफलता मिलती है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसमें 10वीं वाले खासकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैं बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री के और 10वीं के साइंस के मैथ्स के और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आएंगे और आपको जुड़े रहना है। और मात्र 45 दिन के अंदर आपको कुछ ऐसे वीडियोज हम बताएंगे जो आपके परसेंट को 20 से 25% इंक्रीज कर सकते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल मैं दूँ, मान लेते हैं आपके परसेंटेज आ रहे हैं 60% आ रहे हैं, आप इस वीडियो को देखोगे तो ये श्योर हो गया है कि आपके परसेंटेज में कम से कम 25% से 30% तक आप इंक्रीजमेंट ला सकते हो और बहुत आसानी से। और आप सभी जुड़ते रहिए और एक बार फिर आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं दिनेश सर की ओर से, दिनेश मीणा, और थैंक यू वेरी मच।